नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट EVS लेवल फर्स्ट का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। दोस्तों, यह है तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले लेवल फर्स्ट के लिए EVS के मैं दो मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उनको देखिएगा। आई बटन पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 1, CTET, UPTET आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? 42वें, 44वें, 73वें, 74वें। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 73वां। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी, जो पंचायती राज है उसको। दोस्तों, 30 प्रश्न है, आप अंत तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 25, 10, 35, 15। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 25। दोस्तों, राजस्थान में से लोकसभा की जो सीटें हैं वो 25 है और राज्यसभा की 10 हैं। तो यहाँ लोकसभा की पूछिए, विकल्प नंबर 1 सही होगा। दोस्तों, वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, कड़क बिजली, बगस वाहन, नुसरत व गजक नामक प्रसिद्ध प्राचीन तोपें किस दुर्ग से संबंधित है? नाहरगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहाँ पर यह तोपें रखी हुई है। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटोक पहाड़ी पर जोधपुर में बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, नाथ द्वारा, बूंदी, करौली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बूंदी। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में, मंगलियावास, ओसिया, अराई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, ब्यावर। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, ब्यावर अजमेर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार का संबंध है मृत्यु से, विवाह से, जन्म से, मृत्युबोध से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, विवाह। जो लीला मौर्य संस्कार है विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, पटवों की हवेलियां जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है? हवेली के मध्य विशाल प्रांगण के कारण, दीवारों पर चित्रकारी के कारण, पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण और अपनी विशालता के कारण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण। दोस्तों, जो पटवों की हवेलियां हैं वो जैसलमेर में है और वहाँ पर पत्थर की जालियों पर जो नक्काशी की गई है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, राजस्थान की किस चित्र शैलियों में रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? बूंदी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, कोटा शैली। दोस्तों, कोटा शैली में रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ रही है, ज़्यादा लगे तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आलूदा की बावड़ी स्थित है भरतपुर, दौसा, अलवर, सवाईमाधोपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, दौसा। दौसा में आलूदा की बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल नवमी को, भाद्र के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, भाद्रपद कृष्णा नवमी को। दोस्तों, भादवे की जो कृष्ण पक्ष की नवमी होती है उस दिन गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय परिवार की विशेषता है रक्त संबंध, पितृसत्तात्मक परिवार, संयुक्त परिवार, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। भारतीय परिवार की तीनों ही विशेषताएं हैं, रक्त संबंध, पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया? 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 2007 में। दोस्तों 2007 में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, लक्षद्वीप पर निवास करने वाली महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला स्कार्फ क्या कहलाता है? कांची, थाटम, नेरियाथू, आभास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, थाटम। जो महिलाएं सिर पर स्कार्फ बांधते थाटम कहलाता है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा रेशा कृत्रिम रेशों की श्रेणी में नहीं आता है, शामिल नहीं है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, कपास, एक्रिलिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कपास। कपास जो है वो कृत्रिम रेशा नहीं है जबकि प्राकृतिक रेशा है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है डीमोस, चंद्रमा, टाइटन, लापेटस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, नीली क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, रेशम कीट उत्पादन से, मछली उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? सुमेरपुर, पाली, ब्यावर, अजमेर, गुलापुरा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, ब्यावर, अजमेर। ब्यावर अजमेर में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी सेठ दामोदर दास राठी द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, है सुमेलित कीजिए, सुनहरी टेरिकोटा बीकानेर, कागजी टेरिकोटा अलवर, मलेर प्रिंट बाड़मेर और दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़। तो इनको सुमेलित करना है, ये विकल्प है आपके सामने। ए में 1, 2, 3, 4, बी में 2, 1, 4, 3, सी में 3, 4, 1, 2 और डी में 4, 3, 1, 2। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों सुनहरी टेरिकोटा बीकानेर की प्रसिद्ध है, कागजी टेरिकोटा अलवर की प्रसिद्ध है, मलेर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है और दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। तो 1, 2, 3, 4 अपने सही होगा विकल्प नंबर ए, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? 3:2, 2:3, 3:4 और 4:3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 2:3। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 2:3 है, 2:3 विकल्प नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, इससे बच्चों का अदाई कौशल परिमार्जित होता है, विषय वस्तुओं को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, विषय वस्तु को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना और बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, वे व्यावहारिक क्रियाएं करवाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने प्रश्न नंबर 22 में विकल्प नंबर सी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है, सामान्य शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, पर्यावरण शिक्षा। यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, पर्यावरण शिक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, छात्रों के द्वारा किस सीमा तक ज्ञानार्जन किया है इसका पता लगाया जाता है, परीक्षण के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा, उपस्थिति रजिस्टर द्वारा, कक्षा अध्यापक द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मूल्यांकन के द्वारा, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, श्रव्य दृश्य सामग्री कार्य करती है एक माध्यम की तरह, साध्य की तरह, एक उत्प्रेरक की तरह, हीन भावना की तरह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, एक उत्प्रेरक की तरह। दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री जो है सीखने में सहायता करती है, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस चिंतन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ताकि तर्क के आधार पर चिंतन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षण जिससे छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो, शिक्षण जिससे कमजोरियों का पता लगे, शिक्षण जिससे कमजोरियों के कारण का पता लगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, शिक्षण जिससे छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो, त्रुटियों का सुधार हो, गलतियों का सुधार हो, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। यहाँ पर अपने विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, आपके अनुसार परियोजना में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल मात्र मार्गदर्शन करने की, केवल एक शांत दर्शक की, केवल मात्र प्रश्न पूछने की, केवल मात्र मूल्यांकन करने की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, केवल मात्र मार्गदर्शन करने की। यहाँ पर विकल्प नंबर ए अपना सही हो जाएगा, जो परियोजना में अध्यापक केवल मार्गदर्शक होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिक्षमता परीक्षण से तात्पर्य है छात्र की किसी विशेष योग्यता का पता लगाना, छात्र के उसके मित्रों के साथ संबंधों की जानकारी पर एक सूची तैयार करना, छात्र द्वारा घटित प्रत्येक घटना का संग्रह अभिलेखित करना, छात्रों द्वारा की गई शैक्षिक त्रुटियों के निदान हेतु एक योजना बनाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, छात्रों की किसी विशेष योग्यता का पता लगाना। यहाँ पर अभिक्षमता परीक्षण का तात्पर्य है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न, उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। 30वां प्रश्न है, आप कक्षा में विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए क्या करेंगे? एक दो छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना, एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना, समूह चर्चा की आयोजना करना, और किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करवाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, समूह चर्चा की आयोजना करना। यहाँ पर सही होगा विकल्प नंबर 30 में सी वाला, 30वें प्रश्न में सी सही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।